कहते हैं जो अपने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा फाइनली गाइज अभी सीन कुछ ऐसा था कि आज मैं बाइक रिवील करने वाला था, रैप वगैरह करवा रखी थी तो एक स्टोरी डाली थी मैंने, भाई लोग आ रखे हैं मुझसे मिलने, तो क्या सीन है भाई? Hey guys, welcome back to our new vlog. तो guys, hope करता हूँ आप सब बड़े होंगे. तो guys, आज का सीन कुछ ऐसा है, आज एक छोटा सा मीटअप रखा है हमने सहजपुर में, मतलब मीटअप क्या, इंस्टा पे स्टोरी वगैरह डाल दी थी, सॉरी यूट्यूब फैमिली आपको इन्फॉर्म नहीं करा था, हम आप लोगों को तब इन्फॉर्म करेंगे जब हमारे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे और हमारे यहाँ सिल्वर प्ले बटन आना होगा, तो उस समय मिलते हैं आप लोगों से. तो फिलहाल मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, मेरी सारी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मिलेगी. तो गाइज अभी सीन कुछ ऐसा है कि 10 बजे का टाइम दे रखा था मैंने, अभी 9:30 बज चुके हैं, अब यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा और देखते हैं वहाँ पे कौन कौन भाई लोग आ रहे हैं. गाइज आज हम बाइक वगैरह लेने जा रहे हैं और बाइक ना बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है यार, एक बार आप देख लोगे ना कितना सेक्सी अब वे यार, मतलब अब मोटो ब्लॉग सेटअप पे मिलते हैं आप लोगों को, सीधा बाइक दिखाऊंगा और फिर एंजॉय करो यार तुम. फाइनली गाइज जब हम मोटो ब्लॉग सेटअप पे आ चुके हैं और आप लोगों को आज Z900 और NS की जगह आज दिख रही होगी एक्टिवा, तो मेरे भाई गौरव की एक्टिवा है, फिलहाल मैं रात में लेके आया था बिकॉज मेरी बाइक वहीं पे खड़ी है और उस पर थोड़ा बहुत जो काम रह रखा था वो काम भी चल रहा है. फिलहाल 9:30 या 10 बजे तक भी कंप्लीट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है. तो आज 10 बजे भाई लोग मुझसे मिलने आने वाले हैं, तो जिसने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर ले, सारी अपडेट देता हूँ मैं वहाँ पे कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ पे मिल सकता हूँ, कहाँ पे क्या, जहाँ भी मैं जाता हूँ लोकेशन वगैरह प्रॉपर डाल देता हूँ अपनी. तो गाइस मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आप. अभी सीन कुछ ऐसा है, पहले पहुँचते हैं भाई की शॉप पे और देखते हैं भाई ने कितना काम कंप्लीट कर दिया और कितना पेंडिंग में पड़ा है और थोड़े बहुत ग्राफिक्स वगैरह करवाने हैं मुझे गाड़ी पे, तो जैसा भी होता है जितना भी हो सकता है मैं उतना करवा देता हूँ फिलहाल के लिए और बाइक को रिवील करते हैं जैसा भी सीन होगा. तो गाइस पहले पहुँचते हैं जल्दी से जल्दी भाई की शॉप पे और अब मिलता हूँ मैं आप लोगों को सीधा भाई की शॉप पे ही मिलता हूँ. तो गाइस अभी सीन कुछ ऐसा है, अभी ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं और भाई लोग पीछे आ रहे हैं, फिलहाल अभी मिलते हैं और बाइक वगैरह भाई और को पता नहीं है कहाँ पे खड़ी है और बाइक को अभी रैप वगैरह कर रखा है प्रॉपर. तो अभी 5-10 मिनट और मैं 2-3 बंदों का और वेट कर रहा हूँ जिनका मेरे पे कॉल आया था और ये अपने कुछ भाई लोग बैठ रखे हैं अमन, और 2-3 बंदों का मैं वेट कर रहा था. वो लोग जैसे यहाँ पे पहुँचते हैं, जैसे ही वो लोग यहाँ पे पहुँचते हैं देन उसके बाद चलते हैं बाइक के पास और बाइक रिवील करते हैं और देन आप लोगों को बता दूँ. फिलहाल अभी कमेंट कर दो कि बाइक किस कलर में रैप हो रखी है, क्या हो रखा है, जिसने पहले सही कमेंट गैस करा उसका कमेंट पिन कर दूंगा भाई. तो मिलते हैं अभी बाइक रिवील करते हुए आप लोगों को. गाइस अभी सीन कुछ ऐसा है, भाई लोग सारे पीछे आ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और बाइक पीछे आप लोग देख सकते हो बाइक को रैप कर रखा है और अभी आप लोगों को सबसे मिलवाता हूँ. सबसे भाई लोग हैं देहरादून से आ रखे मिलने, और कैसे हो भाई? बढ़िया. और ये भाई भी देहरादून से आ रखा है और ये अपना दोस्त केवट और राहुल को भी आप लोग जानते होंगे सब लोग. गाइस अभी सीन कुछ ऐसा है, बाइक पार्क हो रखी है और सारे भाई लोग मेरे आ रखे हैं, अभी केवट और से मिलवा दिया. और ये अपना प्रियांशु भाई कैसा है भाई? बढ़िया भाई जी, बढ़िया. बढ़िया. और ये छोटा भाई और अतुल गौरव और भाई लोग सारे आ रखे हैं और कुछ भाई लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं. और वुल्फ राइडर से मिलवाते हैं आप लोगों, कैसे हो भाई जी? बढ़िया, बढ़िया. और ये भाई के साथ के कुछ दोस्त आ रखे हैं, अभी सारे साथ जमा होंगे देन उसके बाद अब शूट वगैरह स्टार्ट करते हैं. बाइक का सारा क्रेडिट मेरे भाई को जा रहा है, मेरे भाई ने मतलब कलर मैंने सोच रखा अपनी बाइक की थीम का, बट बाकी ग्राफिक्स मेरा भाई के हैं, तो भाई तो जितना भी काम कर रखा है मेरे भाई ने कर रखा है यार, मतलब ग्राफिक्स वगैरह मैंने भाई ने थीम बताई थी, मैंने कहा मुझे इस कलर की थीम चाहिए, सब कुछ काम मेरे भाई ने कराया. तो भाई के भाई की शॉप पे आप काम करो, बहुत ही जेन्युइन प्राइस है. मतलब इसी कुछ ऐसा है कि अभी बाइक की डिलीवरी मतलब ले ही रहे थे और बीच में कुछ सीन हो गया था, आप लोग वीडियो के एंड में देखना कि कैसे सीन हुआ था, सब लोग अपने अपने पार्ट में डालेंगे. तो भाई सब बाइक को दोबारा रिवील करते हैं, 3, 2, 1. गाइस
मेरा भी सेम कुछ ऐसा है और सारे भाई लोग अभी पीछे हैं, ब्लॉग वगैरह कर रहे हैं, बाकी भाई लोग भी बहुत तगड़े आ रहे हैं। तो भाई ये इंडिया में पहली जीन ऑल्सो है जो इस कलर में है। बाकी आप लोगों को अभी बाइक बाहर निकाल दो, मोटो ब्लॉग सेटअप पे मिलता हूँ और कहीं अच्छी सी लोकेशन देख के पूरा बाइक का वॉक अराउंड दूंगा। कुछ ऐसा है, अंकल ने मेरे को एक प्लेस अलाउ करी थी, मैंने भाई के पास रैप करवाया था जो कि मैंने आप लोगों को इंस्टा स्टोरी में बताया था। तो अंकल जी आप अपने शॉप का नाम बता दो एक बार। तो भाई की शॉप है अरमान मोटर्स, भाई लोकेशन 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 है लक्ष्मीपुर। फाइनली गाइस अब निकलने का समय है यहाँ से, फोटोज वगैरह सबने क्लिक करवा लिए। तो एक बार भाई का चैनल चेकआउट कर लेना, भाई चैनल का नाम डबल फ्राइडर 07। मैम आपका भी चैनल है अभी कोई मोटो ब्लॉगिंग नहीं, और अयान भाई का चैनल एक बार चेक कर लेना बीस्ट मोटो करके। हनी भाई चैनल का नाम एच एन ब्लॉग्स चेक करना यार भाई का भी ब्लॉग। और कोई ब्लॉगर आ रखा हमारे बीच, भाई किस नाम से है? UK07 आयुष जैसे के। तो भाई का चैनल भी सर्च करना। ठीक है फिलहाल गाड़ी निकालते हैं। पेट्रोल पंप के आसपास पहुंच चुके हैं, गाड़ी में पहले फ्यूल अप करवाते हैं देन उसके बाद अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। और रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा तगड़े। कितने का है? 400 का। तो फाइनली गाइज हम लोगों ने बाइक का लाइनअप यहाँ पे लगा चुके हैं, अब यहाँ से निकलने वाले हैं। तो गाइज अब हम यहाँ से निकलेंगे धर्मावला बाईपास रोड पे, अब देखते हैं वहाँ से राइड वगैरह कहाँ तक प्लान करते हैं। और फिलहाल अभी मतलब बंदे तो बहुत सारे रखे थे, फिलहाल 1 2 3 4 5 6 7 बाइकें यहाँ से जा रही है, एक स्कूटी है हमारे साथ भाई की, और हम 7 बंदे यहाँ से निकलते हैं और भाई लोग भी आ रखे हैं देहरादून से, भाई लोग भी हमारे साथ चलेंगे। तो अभी मिलते हैं मोटो ब्लॉग सेटअप पे और निकलते हैं यहाँ से। फिलहाल आप लोगों को सारी बाइकें चेक करवाता हूँ कि बाइकें हैं कौन कौन सी हमारे पास। और ये गई हमारी R15 वुल्फ राइडर ब्रो की, और ये बीच मोटो ब्लॉग हमारे, और ये भाई लोग भी गए। और अब फ्लाई बाय मिलने वाली है, बहुत तगड़ी है। बहुत तगड़ी भाई साहब, मतलब गाड़ी में प्रॉपर खोली नहीं जा रही, बहुत तगड़ी पावर है भाई की। मतलब ये है कि यार लिमिट से चल लो वही सही है यार, बहुत तगड़ी फ्लाई बाय जा रही भाई। भाई लोग घर जा रहे हैं, सब लोगों का थैंक यू जो जो मेरी वीडियो देख रहा होगा अभी, जो जो आ रखा था, तो सब लोगों का थैंक यू। और फिलहाल अब चलते हैं मॉम डैड के रिएक्शन लेने बाइक के ऊपर।